नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो एकादशी का व्रत आज है परिवर्तनी एकादशी। काफ़ी लोग व्रत, काफ़ी लोग उपवास सकते हैं। एकादशी के व्रत में उपवास में क्या आप आलू खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते? तो उपवास के दौरान बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत है वो सात्विक व्रत किया जाता है। इसके अंदर नमक का सेवन नहीं किया जाता है, आलू का सेवन नहीं किया जाता है, टमाटर नहीं खाए जाते हैं, और भी बहुत सारे सागार की चीज़ें भी बहुत सारी जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे साबूदाना है वो भी सही ढंग से नहीं बनता, तो उसको भी नहीं आप खा सकते हो। सावे की खिचड़ी खा सकते हो आप, व्रत में मीठा भोजन बनाकर खा सकते हो, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें खा सकते हो। कभी कभार आपने देखा होगा कि आलू के अंदर अगर आप सुई चुभो देते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे से कीटाणु रहते हैं, छोटे छोटे से जीवाणु रहते हैं। तो एकादशी के व्रत में हमें कोई भी, और अगर सुई चुभो के रख देंगे ना एक दिन या फिर 10-15 मिनट के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कीटाणु हो जाते हैं। इसलिए हमें एकादशी के व्रत में आलू नहीं खाने चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब।